जय माता दी। माता रानी के गर्भ से आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जो कि आज के दिन कन्या राशि के लोगों को जातकों को बताना चाहेंगे आज के दैनिक राशि फल के बारे में कि आज का दिन है वह कैसा दिन है, किन चीज़ों को लेकर क्या घटनाएँ जीवन पर घटने वाली हैं। आज आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कैसा होगा, किस प्रकार से खुशियाँ हासिल होंगे, चमत्कारिक योगों का निर्माण किस प्रकार हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज का दिन है वह कैसा दिन हो सकता है और जीवन में चीज़ों को लेकर विकसित करने का कार्य किस प्रकार हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज का दिन है कैसा वह सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया स्थितियों का निर्माण किस प्रकार करने हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कन्या राशि के लोगों के लिए आज के दिन के आप लोगों के सुबह का समय कैसा रहेगा और आज के सुबह किस प्रकार की क्या घटनाएं आप लोगों को होने वाली हैं और किस प्रकार से बहुत ही बड़ा वृद्धि के कार्य मुख्य रूप से किस प्रकार हो सकते हैं और आप सभी को सारी मनोकामनाएँ किस प्रकार से पूर्ति होने की संभावनाएँ बनने वाली हैं। कुछ बड़े कार्य को अच्छे ढंग से पूरा करने की संभावनाएं किस प्रकार बनाने का कार्य हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कैसा होगा और किस प्रकार से शांति प्राप्त करने होंगे तो कुछ घटनाओं के शिकार किस प्रकार हो सकते हैं और आज के दिन हैं आप लोगों को व्यापार व्यवसाय के रियल लाइफ आप लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में कौन सा बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकते हैं तो आपका लकी नंबर लकी कलर कौन सा रहेगा। आज आप लोगों के जीवन में किस प्रकार से लाभकारी योजनाओं को बनाना आपके लिए किस प्रकार से शुभ और बेहतर हो सकते हैं तो आज आपको बताएंगे कौन सब महत्वपूर्ण कार्यकारी को कामकाजों को अंतिम रूप तक देना पड़ सकता है तो किस प्रकार से आपके जीवन में समस्याओं को दूर भगाया जा सकता है। तो आपकी आर्थिक तंगे भी किस प्रकार से खत्म होंगे तो किस प्रकार से विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे तो आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप जो भी कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत इंपोर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। ऐसे में इस वीडियो को पूरा से पूरा अवश्य देखें ताकि आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों से आप लोगों को छुटकारा मिलने के साथ साथ आपके जीवन में परिस्थितियों से आप लोगों को मुक्ति की प्राप्ति हो सकेंगे। तो लगातार ये सुबड़ियों के अंत तक जरूर आप सभी बने रहें, उससे पहले वीडियो को लाइक करें। माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखने की प्रयास करें। तो दोस्तों, दिन सुबह हैं, कार्य व्यवस्थित हो सकते हैं, मनोकामना आप सभी की जरूर पूरी होते चले जाएंगे और आप लोगों को जीवन में कई चीज़ों को लेकर आज के दिन के सुबह का समय काफ़ी बढ़िया हो सकता है और काफ़ी बढ़िया चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग में मस्ती भरे आप लोगों का समय व्यतीत हो सकता है। कहीं से भी आपको अच्छे तथा शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकते हैं। किसी नज़दीकी संबंधी की समस्याओं को हल करने में आपकी विशेष रूप से भूमिका रह सकते हैं। अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाना होगा, आत्ममनन करने होंगे। अति आत्मविश्वास ईगो की वजह से आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। दूसरों के एडवाइस पर ज़्यादा भरोसा न करें। मानसिक सुकून पाने के लिए कुछ समय आत्मनिर्भर रूप से गतिविधियों में जरूर व्यतीत करें। अपने व्यावसायिक रूप से कामों पर ज़्यादा ध्यान और ज़्यादा प्रचार करने की जरूरत रह सकती है। इनसे कार्य और नाम भी आपको पहचान मिल सकते हैं। किसी अधिकारी से मन मुताबिक रूप से मदद मिल सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखना हो सकता है। पैसा आने के साथ साथ जाने का भी रास्ता तैयार रह सकता है। पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्थाओं को लेकर कुछ कहासुनी हो सकती है। प्रेम संबंध और भी प्रगाढ़ तो हो सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। वदन दर्द और बुखार जैसी परेशानी रह सकती हैं, परंतु ज़्यादा इलाज लेना हो सकता है। आज परिस्थितियाँ जटिल और कठिन महसूस हो सकते हैं। केवल आप लोगों की मेहनत के जरिए ही जीवन में बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, इसलिए मेहनत करने से डरे नहीं। लोगों के साथ प्राप्त करने की उपेक्षा की वजह से आपकी कार्य क्षमता कम हो रही है। लोगों के ऊपर बनाई गई निर्भरताओं को पूरी तरह से दूर करना आपके लिए आवश्यक होगा। काम से संबंधित महत्वपूर्ण कागजात को संभाल कर रखें, वरना नुकसान वाली स्थिति परिस्थितियाँ बढ़ सकती हैं। पार्टनर्स के द्वारा बोली गई कड़वी बातों का अहसास होसास हो सकता है, लेकिन आपको सच्चाइयाँ बताने की कोशिश कर सकते हैं। आपत्ति की वजह से सेहत में उतार चढ़ाव नजर आ सकते हैं। आप लोगों के जीवन पर बहुत बढ़िया हो सकता है। काम की अधिकताएँ रह सकते हैं। सफलता से सुकून मिल सकता है। आर्थिक मामलों में उचित प्रकार के सोच और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम रह सकते हैं। युवा वर्ग को अपनी मेहनत के अनुरूप उचित रूप से शुभ परिणाम भी हासिल हो सकते हैं। ध्यान रखें कि भाइयों के साथ प्यार अथवा आपसी संबंधों को लेकर आज कुछ टकराव की स्थिति
बन सकते हैं। साथ ही साथ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ दूरी बनाए रख सकते हैं। रिश्तों को मजबूत बनाकर रखने के लिए समझदारी और धैर्य की जरूरत रह सकती है। कोई भी खास निर्णय लेते समय किसी भी योग्य व्यक्ति के साथ सलाह मशवरा भी अवश्य कर सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियों में जल्दबाजी में लिया गया निर्णय गलत साबित हो सकता है। यह समय मार्केटिंग संबंधित कार्यों पर अधिक ध्यान देने की वजह से जरूरत आ जाती है। ऑफिस में अत्यधिक रूप से कार्यभारी की वजह से तनाव और बना रह सकता है। व्यवस्थाओं के बावजूद आप परिवार के साथ खुशनुमा समय व्यतीत कर सकते हैं तथा घर का वातावरण भी आपको मधुर बना रह सकता है। वर्तमान वातावरण की वजह से आयुर्वेदिक चीज़ों का उचित रूप से सेवन करना जरूरी हो सकता है। थोड़ी सी सावधानी आपको पूर्ण रूप से स्वास्थ्य एवं बेहतर रखेंगे। लोगों के साथ मेलजोल बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसकी वजह से व्यक्तिगत बातों से संबंधित चर्चा हो जाने के कारण आपको टिप्पणियां आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है। किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय व्यक्तिगत बातों की जरूरत से अधिक जानकारियों को ना देना है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न करने वाले लोगों को निराशा महसूस हो सकती है। लोगों के द्वारा बोली गई बातों पर ध्यान न देते हुए अपने प्रयत्नों को जारी रख सकते हैं। पार्टनर्स के साथ अचानक से रिलेशनशिप तोड़ा जा सकता है। उल्टी और अपच की तकलीफें अधिक रह सकती हैं। चीज़ों को लेकर सकारात्मक नजरिए को देखना हो सकता है। कुछ बढ़िया कार्य कर दिखाने का मौका मिल सकता है। सेमी इंडोर खेलों खिलाड़ियों के लिए उपलब्धि प्राप्त करने का समय हो सकता है। ई रिक्शा डीलरों को अच्छा लाभ हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि अतरंग संबंध सुख दे सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित अवस्थाएं अच्छी रह सकती हैं। आज अचानक से ही ऐसे लोगों से मुलाकातें होंगे जो कि आपकी उन्नति में सहायक रहेंगे। आप भी अपने संतुलन व्यवहार के द्वारा सबका मन मोह लेंगे। विद्यार्थियों को इंटरव्यू अथवा करियर से संबंधित किसी भी गतिविधियों में सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बन सकती हैं। यह समय आराम और सुस्ती की इच्छा को अपने ऊपर हावी न होने दें। लक्ष्य हासिल करने के लिए आप लोगों का अथक प्रयास करने की जरूरत रह सकती हैं। अपने ऊपर काम के उतने ही जिम्मेदारियां भी लेना हो सकता है जितने की आप आसानी से निभा सकें। गृह स्थिति अनुकूल होंगे, उन्नति का अवसर भी कोई अवसर मिलने वाला हो सकता है। समय इच्छा के अनुसार अपने निर्णयों को योजनाओं को लेकर अंजाम देना जरूरी हो सकता है। दोस्तों परंतु अपने स्टाफ और सहयोगियों की नज़रअंदाज न करना है। छोटी सी गलती से बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध में विवाहित पारिवारिक स्वीकृति मिलने का समय आ चुका है। प्रसन्नता रह सकता है। पारिवारिक वातावरण भी सुखद एवं आज के दिन सम्मानजनकपूर्ण रहेगा। यह समय स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है। विदेश से साथ काम को आगे बढ़ाने पर जोरों से अधिक जोर दे सकते हैं। इस कारण जो अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं वह नज़र नहीं आएंगे। अभी के समय अपेक्षाओं के अनुसार आज के दिन बड़ी प्रगति नहीं होंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर आगे बढ़ने की वजह से नुकसानदायक परिस्थितियां नहीं बन सकती हैं। युवाओं को अपने सपने और अपने क्षमताओं दोनों में ही अंतर जानने की आवश्यकताएँ होंगे। पार्टनर्स आपको हर प्रकार के एक ऋण से खुशियां देने की कोशिश कर सकते हैं। आपको सेहत ठीक ठाक रह सकते हैं। सकारात्मक नजरिए को देखना हो सकता है। कन्या राशि के लोगों के जीवन पे काफ़ी बढ़िया हो सकता है। आज के दिन सरकारी पक्ष के मान्यों ने जैसा काम बन सकता है। आप लोगों की दीर्घकालीन योजना पर काम कर सकते हैं। इष्ट मित्रों से वांछित सहयोग मिल सकता है। मन प्रसन्न रह सकता है। दोस्तों करियर से संबंधित बड़े निर्णय लेना है तो आज के दिन ले सकते हैं। काम या फिर रहने का स्थान बदल सकता है। अविवाहितों के लिए शुभ समाचार मिलने वाला मामला रह सकता है। शारीरिक थकान और दर्द की दिक्कत रह सकती है। जीवन में काफ़ी बढ़िया हो सकता है।